उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है, वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी इस उद्देश्य में अपनी भूमिका का भरपूर निर्वहन कर रहा है। गन्ना किसानों की कैसे आय बढ़े, गन्ना उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और कैसे नई प्रजातियों के माध्यम से गन्ना किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रजातियाँ दी जाएँ कि जिससे उनको इस उद्देश्य को पाने में सफलता मिल सके, तो ऐसे में कई सारी योजनाएं भी संचालित हो रही हैं, सरकार के द्वारा भी संचालित हो रही हैं। तो ऐसे में एक योजना है अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना के अंतर्गत आज भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के द्वारा किसानों को कुछ ऐसे कृषि यंत्र बांटे जा रहे हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको ये उपकरण सहायता करेंगे और उनके उत्पादन के साथ साथ उनकी फसल लागत को भी कम करने में मदद करेंगे। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो गन्ना अनुसंधान संस्थान से भी हैं, हैदरगढ़ चीनी मिल से भी हैं, और उनसे बात करेंगे कि किस तरह की ये योजना है और इससे कितनी मदद मिलती है किसान। जी जी, नमस्कार सभी लोगों को, आप लोगों को। तो जैसा कि आपने बताया, अनुसूचित जाति उप योजना जो है ये हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ जो कि ICAR के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ये परियोजना काफ़ी लंबे समय से चलाई जा रही है। तो इस परियोजना के अंतर्गत हम लोग गन्ने की जो नई नई किस्में हैं उनको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जात के लोग जो लोग हैं हमारे आज उत्तर प्रदेश में, ऐसे ज़िलों को हम लोगों ने कवर करने की इसमें कोशिश किया है। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है इसमें दो चीनी मिल, रोजा गाँव और हैदरगढ़, दो चीनी मिल के जो हमारे किसान अनुसूचित जात के हैं को उस क्षेत्र के, उनको हमने 200 किसान, दोनों चीनी मिल से 100 किसान जो है हम लोगों ने आज बुलाया है। तो हमारे निदेशक महोदय के द्वारा ये इसमें हम नैपसेप स्प्रेयर जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और दूसरा बर्मी बेड है जो, उसको दो हम लोग देंगे, किसान भाइयों को बांटेंगे, क्योंकि ये लो कास्ट जो है ये हमारा जो नर्सरी तैयार होगी, तो नर्सरी तैयार हुई गन्ने की नई किस्में जैसे 14201 है, COL के 14201 है, COL के 16202 है, और भी हमारी कई किस्में हैं जो यहाँ से चीनी मिलों को दी जा रही हैं यहाँ से। तो इन किस्मों को किसान भाई लगाएंगे, हमारे जो जो इनके पास रिसोर्सेज कम हैं तो इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इस योजना के अंतर्गत हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सेटलिंग करने की तैयार करेंगे, इसमें एक आँख के टुकड़े जो हैं वो बनाएंगे और ये किसान भाई हमारे इसमें वर्मी बेड में तैयार करके उसको लगाएंगे। फिर पानी और स्प्रे, दवाओं का स्प्रे भी गन्ने की खेती में करने की ज़रूरत होगी, तो स्प्रे से जो है इसमें दवाओं का स्प्रे किसान भाई हमारे अपने गन्ने के क्षेत्र में कर पाएंगे जो हमारे छोटे किसान हैं, तो इसमें काफ़ी ये सहयोगी होगा। अपने परिच्छेद से, चीनी मिल परिच्छेद से हमने 100 किसानों को बुलाया हूं और ये भारतीय गन्ना अनुसंधान में कि गन्ने की तकनीकी कैसे कर करके कम लागत में अच्छा उत्पादन किया जाए जिससे उनकी आमदनी अच्छी अच्छी की जा सके। इसमें विशेषकर आज का जो प्रोग्राम है इसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के ही लोगों को बुलाया गया है, जिस बहुत सारी चीज़ें इनको गांव में जानकारियां नहीं मिलती है उसको यहां बुला करके हमने आज प्रशिक्षण दिलवाया तथा गन्ने के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई, विशेषकर कीट प्रबंधन, गन्ने की बुआई, गन्ने का जमाव, सारी चीज़ें कैसे मतलब तकनीक कैसे की जाए उसमें सारी जानकारी दी गई है। और ये किसानों को हमने इसलिए बुलाया है कि ये जानकारी सीख करके जाएंगे और अपने गांव में सबको प्रशिक्षण देंगे जिससे सबकी आमदनी कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के किसानों को खेती की जानकारी के साथ कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। सुनिए आखिर किसान का इस पर क्या कुछ कहना है, कितना लाभ उन्हें मिल रहा है। हैदरगढ़ चीनी मिल के माध्यम से मैं आज लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे पुस्तकें मिली हैं जिनके माध्यम से पढ़कर मैं सही खेती करने की कर पाऊँगा, और दवा छिड़कने की मशीन दी गई है और एक बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की किट दी गई है जिसे हम अन्य लोगों को भी कुछ मदद देंगे और खुद अच्छी खेती करेंगे। कम लागत में आमदनी को बढ़ाना जो उद्देश्य है, सरकार का भी ये उद्देश्य है, और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ये यंत्र निश्चित तौर से काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।